विगत दिनों 22 जनवरी 2024 को थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक गोकच्ची की घटना हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें मुझ एसीपी द्वारा तत्काल दो टीमों का गठन किया गया ताकि अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किया सके। दिनांक 10/2/2024 को मुखबिर खास की सूचना पर जिला बागपत से इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त शुएब उर्फ काला, जो कि थाना मुरादनगर कस्बे का ही रहने वाला है, को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को थाना मुरादनगर में लाकर गहन पूछताछ की गई, जिसमें अभियुक्त द्वारा बताया गया उसने ये घटना अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दी थी। उसने ये भी बताया कि इस घटना में अभियुक्त छुरा उसने सरना के जंगल में ही छुपाया हुआ है। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम द्वारा मैं सरकारी वाहन सरना के जंगल में 10/11 की रात खोज की और अभियुक्त की निशानदेही पर छुरा बरामद किया गया। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा एक पुलिसकर्मी का सर्विस पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात अभियुक्त पर फायर किया, जिसमें उसके दाहिने पैर पर गोली लगी। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CSC मुरादनगर भेज दिया गया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास खंगाला गया। इस पर जिला मेरठ में दो गोकच्ची के मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। एक 307 धारा 307 का मुकदमा पंजीकृत है और ये वहाँ से गैंगस्टर में वांछित चला है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।